गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 14F के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट करवा दिए थे। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ईजी हो जाएंगे। तो देखिए, इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या स्टेटमेंट है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेप करेक्ट टू 1 decimal place। ये डी पी का मतलब क्या है? 1 decimal place, और जिसमें हमें पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है? 3.14। तो देखो, ये हमारे पास फिगर है, इसके अंदर हमें पेरीमीटर फाइंड नहीं करना। हमने एक एक्सरसाइज में पेरीमीटर भी फाइंड किया था, जिसके अंदर ये जो इनर जो भी लेंथ होती थी उसको हम इंक्लूड नहीं करते थे, जो अंदर की तरफ होती थी। पेरीमीटर में क्या होता है, बाहर बाहर की बाउंड्री की लेंथ हमें फाइंड करनी होती है, पर एरिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एरिया में हमें इस पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो ये देखो, पूरा एरिया हमें टू फिगर्स की हेल्प से मिलेगा। एक तो ये तो हो जाएगा रेक्टेंगल, और ये जो सेकंड नंबर पे है ये क्या हो जाएगा? हमारा सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर हमें फाइंड करना है। तो देखो, एरिया ऑफ गिवन फिगर, तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो आपको ये नीचे रेक्टेंगल दिखाई दे रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में क्या कर दोगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो, सर्कल पूरा होता है, यदि हम उसको हाफ कर दें तो ये क्या होता है? सेमी सर्कल। तो देखो, एरिया और रेक्टेंगल का फाइंड करने का फॉर्मूला तो ईजी होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वेयर, और यदि हम इसकी टू से इसको डिवाइड कर दें तो ये हाफ सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वेयर अपॉन में 2। अब हम देखते हैं कि इस रेक्टेंगल की लेंथ तो है 4 centimeter, और जो ब्रेड्थ है वो क्या गिवन है? 3 centimeter। पर यहाँ देखो, ये 1/2 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 3.14 इंटू में रेडियस हमें अभी तक नहीं पता कि इस सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो आपको ये एक बात लिखनी होगी, यहाँ पर डायमीटर कहीं भी साइड में लिख सकते हो आप, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। जो डायमीटर है सेमी सर्कल का, ये है, ये किसके इक्वल है? 4 centimeter के। तो रेडियस क्या हो जाएगी? आपको पता है रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ। तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा? 2 centimeter। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 centimeter मल्टीप्लाई विद 2 centimeter, क्योंकि दो बार लिखना है ना, आर स्क्वेयर है, तो एक 2 से ये एक 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 स्क्वेयर सेंटीमीटर प्लस में। अब 3.14 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हम, तो ये हो जाएगी 6.28 स्क्वेयर सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18.28 स्क्वेयर सेंटीमीटर। वैसे तो हमारा ये आंसर करेक्ट है, पर देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर आपको करेक्ट करना है 1 decimal place तक। तो जब भी 1 decimal place तक की बात आती है, तो डेसिमल के बाद जो सेकेंड नंबर पर जो डिजिट है, आपको उसको चेक करना होता है कि जो सेकेंड नंबर पर डिजिट है, क्या वो डिजिट 5 से greater than है, 5 से less than है, या 5 के equal है। यदि वो डिजिट 5 से greater than हो या इक्वल हो, तब उससे प्रीवियस जो डिजिट होगा वो 1 increase हो जाएगा। तो ये 8 जो है ये ग्रेटर देन 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 point, ये 2 का क्या बन जाएगा? 3। तो 18.3 स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा अप टू 1 decimal place तक। और यदि ये लेस देन 5 होता तो फिर ये 2 एज इट इज़ ही रह जाता, 2 का 2 ही रख देते हम इसको। तो ये हमारा 7th का 1st part कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए इसका जो 2nd part है वो, तो 2nd part के अंदर हमें कैसे क्या करना है, इसमें भी हमें पार्ट्स ही बनाने होंगे। देखिए, ये 1st part मान लो, ये 2nd हो गया, ये 3rd हो गया। तो 1st part हमारा सेमी सर्कल है स्मॉल वाला, 2nd में रेक्टेंगल है, और 3rd में लार्ज सेमी सर्कल है। तो देखिए, यहाँ भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ गिवन फिगर। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल और प्लस में एरिया ऑफ लार्ज कह सकते हो या बिग भी कह सकते हो, लार्ज सेमी सर्कल। ठीक है, इन तीनों का हमें फाइंड करना है। तो देखो, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, तो फॉर्मूला वही रहेगा, हाफ इंटू में पाई इंटू में स्मॉल रेडियस अभी हम यहाँ फाइंड करेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू में ब्रेड। तो देख सकते हो आप, यहाँ रेक्टेंगल की जो ये लेंथ है, ये लेंथ है इसके 4 centimeter के इक्वल,
तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद रेक्टेंगल की देखो ब्रेड्थ किसके इक्वल है 3 सेंटीमीटर के, तो ये 3 सेंटीमीटर प्लस में। अब फिर एरिया हमें फाइंड करना है सेमी सर्कल कौन सा लार्ज वाला, तो पाई इंटू में रेडियस, यहाँ पे हमें कौन सी रेडियस लेनी है, अब देखो ये डायमीटर है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखो अब स्टार्टिंग में डायमीटर ऑफ लार्ज सेमी सर्कल वो हमें गिवन है किसके इक्वल 4 सेंटीमीटर के, तो रेडियस क्या हो जाएगी लार्ज की, लार्ज वाले सेमी सर्कल की रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से स्मॉल सर्कल का डायमीटर हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल सेमी सर्कल सॉरी, तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ ये देखो ये टोटल कितना था 4, तो 4 में से इधर ये क्या है 2, तो 4 को 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है। अब हमें इसकी क्या फाइंड करनी है रेडियस, तो रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल तो क्या हो जाएगा इसका हाफ कर देंगे हम, 2 का हाफ क्या होता है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करते हैं 1/2 एज इट इज, पाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे 3.14 इंटू में 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 4 का क्या कर दोगे 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 2 1/2 एज इट इज, ये हो जाएगा 3.14 इंटू में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर सबके साथ ही लगेगा। अब इन दोनों को हम कट कर सकते हैं, देखो ये आ जाएगा 1.57 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस ये है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 1/2 से इस 4 को कट कर देते हैं 2, तो ये हो जाएगा 6.28 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, देखो 1.57 और इधर 12 ऐसे आएगा, इधर 0 लग जाएंगे, इधर 6.28 तो इनको ऐड करेंगे तो 15 कैरी क्या हो जाएगा 1, 5 और 2 7 प्लस 1 8 और 6 प्लस 2 ये 9 और ये तो 19.85 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो करेक्ट आंसर तो ये हमारा आना था, पर स्टेटमेंट में क्या गिवन है 1 डेसिमल प्लेस तक हमें फाइंड करना है, तो जब 1 डेसिमल प्लेस तक हमें फाइंड करना हो तो हमें डेसिमल के बाद जो सेकंड प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखना है, तो ये 5 जो है ये क्या है इस 5 के इक्वल है, मैंने क्या बताया था आपको या तो ये लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, यदि ग्रेटर देन है और इक्वल है तब तो इससे प्रीवियस डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगा तो ये 8 का क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, और यदि ये लेस देन होता 5 से तो वो डिजिट एज इट इज रह जाता। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, आपको ये एक शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के अंदर यहाँ से इस लेंथ वाली साइड से एक सेमी सर्कल बना हुआ है, हमें इसका एरिया नहीं फाइंड करना, जो बाकी रिमेनिंग पोर्शंस बच जाएगा इस रेक्टेंगल का उसका एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो देखो ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ किसके इक्वल है 14 सेंटीमीटर के एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल गिवन है 10 सेंटीमीटर के, तो सबसे पहले हम इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इज 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर, दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर 140 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या आ गया एरिया इस पूरे रेक्टेंगल का। अब हम यहाँ पे इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करके उसको माइनस कर देंगे, तो उससे पहले हमें ये डायमीटर गिवन है डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल है उसका डायमीटर किसके इक्वल गिवन है 14 सेंटीमीटर के, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू इसका हाफ कर देंगे 14 का हाफ क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू यहाँ कुछ भी ले सकते हैं हम, हमें कोई स्पेशल मेंशन नहीं है, इंटू में रेडियस किसके इक्वल है 7, तो 7 के 2 टाइम्स 7 से 7 इससे कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 11, 11 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 77 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो अब ये हम एरिया फाइंड कर चुके हैं, तो एरिया हमें फाइंड करना है शेडेड रीजन का, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो इसके लिए आपको पता ही है क्या करोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 140 उसमें से 77 को जब माइनस करेंगे
तो क्या आ जाएगा हमारे पास 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द शेडिड एरिया करेक्ट टू 1 dp, तो मतलब 1 decimal प्लेस तक इसका करेक्ट करना है इसमें एज इट इज था। तो देखो ये एक अंदर का इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल है, तो ये आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का यदि हम एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो है शेडिड पोर्शन इसका एरिया आ जाएगा। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, डायमीटर देखना होगा, डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल, जो बाहर का सर्कल है उसका डायमीटर क्या है, देखो ये है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल की जो रेडियस है वो बड़ी होगी ना, इसलिए हम इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 10 का हाफ क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर किसके इक्वल हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के। इसी तरह से डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, जो अंदर का सर्कल है उसकी जो डायमीटर है वो हमें क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, इसकी रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ये किसके इक्वल होगा, इसका हाफ कर देंगे और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से। तो ये स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, अब देखिए इसके बाद जो इसको स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, 8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों आ चुकी हैं। अब हमें एरिया किसका फाइंड करना है, शेडिड रीजन का। तो देखो ऐसे करेंगे हम, एरिया ऑफ शेडिड रीजन, एरिया ऑफ शेडिड रीजन या शेडिड पोर्शन भी लिख सकते हो आप। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल में से माइनस कर लेंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। तो यहाँ आउटर सर्कल का एरिया फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा, बस रेडियस का फर्क होता है, पाई आर स्क्वेयर माइनस में क्या कर देंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वेयर। देखो ये पाई कैपिटल आर स्क्वेयर और ये क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वेयर, तो दोनों में कॉमन क्या है, पाई, पाई को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस में स्मॉल आर स्क्वेयर। यहाँ तक समझ में आ गया, तो पाई के प्लेस पे हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 3.14 इनटू में कैपिटल आर किसके इक्वल है, 5 के, तो 5 का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर किसके इक्वल है, 4 के, तो 4 का स्क्वायर। तो देखो 3.14 इनटू में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। अब हम यहाँ कर लेते हैं इसकी जो बची हुई वर्किंग है, तो देखो 3.14 की मल्टीप्लाई हमें करनी है, देखो इसमें से इसको माइनस कर देंगे जब, तो क्या आ जाएगा, 9। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, square centimeter ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, one decimal point तक करना है, तो ये देख सकते हो आप सेकंड प्लेस पे क्या है, 6 क्या होता है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए ये जो 2 है ये इंक्रीज होके क्या बन जाएगा, 3, तो 28.3 centimeter square, ये किसका एरिया आ गया, इस शेडेड पोर्शन का। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसका 10th क्वेश्चन, इस वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा, 10th क्वेश्चन तक ही आपने करने हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फिर उसके अंदर हम करेंगे। तो देखिए, कवर्स फॉर कैंस आर स्टैम्प्ड आउट ऑफ शीट्स ऑफ मेटल, हाउ मैनी स्क्वेयर सेंटीमीटर्स ऑफ वेस्ट मटेरियल इज देयर व्हेन द कवर्स आर कट फ्रॉम ए स्क्वेयर 5 सेंटीमीटर वाइड। देखो एक स्क्वेयर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, इसमें से एक सर्कुलर रीजन हमें कट करना है, जो ये वेस्टेज हो जाएगी, हमें इसका एरिया फाइंड करना है किसके अंदर, स्क्वेयर सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, साइड ऑफ स्क्वेयर, तो देखो साइड ऑफ स्क्वेयर किसके इक्वल गिवन है, 5 सेंटीमीटर के, तो हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं ना, तो एरिया ऑफ स्क्वेयर, तो एरिया ऑफ स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई विद साइड, और साइड किसके इक्वल गिवन है इसके अंदर, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 5 सेंटीमीटर, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 25 स्क्वेयर सेंटीमीटर, ये उसका एरिया है। अब आप ये देख सकते हो कि ये जो सर्कल हमने इसके अंदर बनाया है वो इस स्क्वेयर की चारों साइड्स को टच होके जा रहा है, तो इसका मतलब जो इसका डायमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, इस स्क्वेयर की साइड के, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, जो इनर सर्कल है इसके अंदर इक्वल होगा साइड ऑफ स्क्वेयर के, किसके इक्वल होगा, साइड ऑफ स्क्वेयर, और साइड क्या है स्क्वेयर की, 5 सेंटीमीटर, तो इसलिए डायमीटर भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी इसका, हाफ कर दो, 5 अपॉन
2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम एरिया फाइंड कर लेंगे सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 3.14। तो 3.14 को हम क्या लिख सकते हैं, 314 अपॉन में 100 लिख सकते हैं ना, डेसिमल हटाएंगे तो। और आर स्क्वायर मतलब 5/2 इंटू में 5/2। तो अब देखो 5 से इसको कट कर देंगे, 25 से इसको कट कर देंगे 4। अब 2 से इसको कट कर देंगे 157। तो हमारे ऊपर तो आ गया 157 और नीचे क्या आ जाएगा, 4 × 2 = 8। अब हम क्या करेंगे, 157 को डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से। तो 8 × 1 = 8, 7, फिर 7 ले लेंगे कैरी कर लेंगे। तो फिर आगे देखो 9 × 8 = 72, 5 0 यहाँ क्या लगा देंगे, डेसिमल। फिर देखो 2, फिर 16, इसके बाद 5 है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट डिविजिबल हो गया। आंसर कितना आ गया, 19.625 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये किसका एरिया है, सर्कल का। अब हमें एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन भी लिख सकते हो आप, शेडेड पोर्शन किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल था, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर के। और उसमें से हमें माइनस करना है किसको, 19.625 स्क्वायर सेंटीमीटर को। तो आप यहाँ माइनस करके देख सकते हो, 25.000 लिख सकते हो ना, इसके बाद क्या लिखोगे, 19.625। अब इसमें से देखो यहाँ क्या रह जाएगा, 5, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, फिर यहाँ 14 रह जाएगा, 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो ये आएगा हमारे पास इसका आंसर, 5.375 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।